गुड मॉर्निंग। हम इस वीडियो में प्राण की मॉर्फोलॉजी डिस्कस करेंगे। तो प्राण मेनली दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो सीफेलोथायरक्स, एक एब्डोमेन। तो ये जो पार्ट हम देख रहे हैं ये क्या है? सीफेलोथोरिक। इसमें 13 सेगमेंट होते हैं। सीफेलोथोरिक्स में होता है हेड होता है और थोरिक्स होता है। और ये जो पार्ट है ये है, ये एब्डोमेन है। इसमें कितने सेगमेंट्स होते हैं? इसमें 6 सेगमेंट होते हैं। और जो थोरिक्स सीफेलोथोरिक्स है ये नॉन मूवेबल है और नॉन जॉइंटेड है, लेकिन जो एब्डोमेन है मूवेबल है और जॉइंटेड भी है। देख रहे हैं आप, जॉइंटेड है और मूव भी करता है। सीफेलोथोरिक्स में जो हेड होता है और क्या है, थोरैकिक रीजन होता है। सीफेलिक पार्ट में हेड होता है और थोरैकिक रीजन होता है। इसमें 13 मैं सीफेलोथोरिक्स में मैंने आपको बताया कि 13 सेगमेंट होते हैं, तो हेड में 5 सेगमेंट होते हैं और थोरैकिक रीजन में 8 सेगमेंट होते हैं। ये देखिए, ये हेड है जिसमें 5 सेगमेंट होते हैं और ये पूरा क्या है, ये थोरैकिक रीजन है जिसमें 8 सेगमेंट्स होते हैं। ऑल सेगमेंट्स कवर्ड बाय डॉर्सल सीट। ओके, अच्छा, इसमें सीफेलोथोरिक्स में एक जो स्केलेटन प्लेट्स पाई जाती हैं जिनको हम स्क्लेराइट्स बोलते हैं। इसमें आपका डॉर्सल होता है, वेंट्रल होता है, लेटरल होता है। डॉर्सल को बोलते हैं टर्जिट्स और वेंट्रल को बोलते हैं स्टर्नाइट और लेटरल को बोलते हैं प्लूरोराइट। डॉर्सल को क्या बोलते हैं? टर्जिट। और वेंट्रल को बोलते हैं स्टर्नाइट। लेटरल को बोलते हैं प्लूराइट। जो इसका हेड रीजन होता है इसमें क्या, इसमें कंपाउंड आई पाई जाती है, ऑर्बिटल नॉच होता है। ये क्या है? ये है इसका हेड रीजन। इसमें कंपाउंड आई होता है, ऑर्बिटल नॉच होता है और जितना ये एरिया है थोरैकिक, इसमें दो टाइप के लेग पाए जाते हैं। अच्छा, ये जो आप आगे, ये थोरैकिक रीजन है, तो ये जो आगे की तरफ आप देख रहे हैं ऐसे, ये है मैक्स लिपिड्स। ये 3 पेयर्स होती हैं। और ये जो देख रहे हैं एब्डोमिन एरिया में, सीफेलोथोरिक्स में, ये जो देख रहे हैं ये है पैरापोड्स, जो 5 पेयर्स होते हैं। कितने होते हैं? 5 पेयर्स होते हैं। एक तरफ का ही दिख रहा है, ये 5 पेयर्स होते हैं और इनको वॉकिंग लेग भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको वॉकिंग लेग भी कहते हैं। और ये जो 1, 2, 3, 4 जो दिख रहे हैं इसमें, जो ये देख रहे हैं इसमें 1 और 2 नंबर का जो लेग होता है उसको जिलेट लेग बोलते हैं। ये जो होता है इसको जिलेट बोलते हैं। जिलेट जैसे खुर होता है ऐसे ही होता है जिलेट, और इसको जिलेट्स बोलते हैं और ये वॉकिंग लेग में आते हैं। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर, सेकेंड चिलेट लेग जो मेल का होता है, मेल प्रॉन का, वो लार्जर होता है और पावरफुल होता है देन फीमेल प्रॉन। एब्डोमेन में 6 सेगमेंट होते हैं, मूवेबल होता है, जिसमें डॉर्सल प्लेट्स होती है, वेंट्रल प्लेट होती है, लैटरल प्लेट होती है, और ये सारी प्लेट जुड़ी होती हैं ऑर्थियोडेल मेम्ब्रेन से। और इनके पास ये जो यहाँ पे इसमें दिख नहीं रहा है, एक प्लेट होती है जहाँ से ये, इसमें दो टाइप के पैर पाए जाते हैं। सबसे पहली बात तो एक ये जो देख रहे हैं स्विमर, इनको बोलते हैं प्लियोपोड। और ये जो आप यूरोपोड देख रहे हैं ये 1 पेयर होते हैं और ये जो स्विमर होते हैं 5 पेयर्स होते हैं। ये स्विमिंग में
वर्क करते हैं, और यूरोपोड जो है ये बैक स्विमिंग में हेल्प करता है। यहाँ पे प्लेट है जिससे स्विमर ऐड होते हैं, उसको ईपी मेरोन बोलते हैं। इस डायग्राम में दिख नहीं रहा है। थोरैकिक रीजन में जो ये फाइव पेयर, ये जो फाइव पेयर लेग दिख रहे हैं, इसमें भी जो थर्ड लेग होता है उसमें फीमेल जेनाइटल पोर पाया जाता है, और जो मेल होता है वो फिफ्थ लेग के जेनाइटल पोर में, फिफ्थ लेग में जेनाइटल पोर मेल में पाया जाता है। सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल सेपरेट होता है, तो मॉर्फोलॉजी हम इसके बेसिस पे हम इसको पहचान सकते हैं। डॉर्सल पार्ट हुड लाइक स्ट्रक्चर, ये डॉर्सल पार्ट है, इसमें हुड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम रोस्ट्रम बोलते हैं। और ये देखिए ये कंपाउंड आई है, तो ये ऑर्बिटल नॉस के थ्रू, ऑर्बिटल नॉस के थ्रू क्या कंपाउंड आई से कनेक्ट होता है। ओके, आई होप सो आपको जो इसकी मॉर्फोलॉजी है वो क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एनिमल डिस्कस करेंगे। Thank you.